तो दोस्तों अभी जा रहे थे घर, तो भैया ने बोला कि उनकी आंटी का एक शॉप है जहाँ से मिसमी ट्राइब्स का कुछ सामान मिलता है, तो वो चीज़ अभी चल रहे हैं, देखते हैं। ये रहा शॉप प्यारा सा, एंड ये प्यारी सी हमारी आंटी, इनका दुकान। कैसे हो आंटी? कैसे हो? अच्छा हिंदी नहीं जानते? हिंदी नहीं समझते आप? अच्छा तो कैसे हो, को कैसे बोलता है ऐसे आपके? कसिल्ला। कसिल्ला कैसन बा? वही बोल दो, मेरे समझ जाएगा। किससे ला कैसन बा एक ही। तो ये रहा शॉप, यहाँ पे लाइक ट्राइब्स के ड्रेसेस मिलते हैं ना? हाँ, ड्रेस और ट्रेडिशनल दाव। ये क्या है ये चीज? ये मिसमी कोट है ये। अच्छा, मिसमी कोट ये लड़का लोग पहनता है। अच्छा, जो आपके पापा ने पहना था ना वो? अच्छा, ये देखो कोट। तो ये कैसे मिलता है यहाँ पे ऐसे? ये बनाते हैं, प्राइस इसका 5,000। 5,000? 6,000। तो ये जो कोट देख रहे हो ये मिसमी ट्राइब्स का है, तो ये 6,000 का कोट है। तो यूजुअली लोग वेडिंग में पहनते हैं ना? वेडिंग, हाँ, स्पेशल ओकेजन हो गया और। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। और ये हो गया दाव। दाव, हाँ, दाव है, वो वाला ना दाव। ये पूजा में, ये पूजा में पुजारी लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये पुजारी लोग यूज करते हैं ये सब। हाँ। ये लोकल चावल हो गया ना? हाँ, ये लोकल चावल हो गया। लोकल चावल है। और वो खांचो, और वो वाला हो गया ये औरत लगा पहनने वाला। औरतों का देख सकता हूँ क्या? हाँ, देख देते। ये है जो, ये देखो आंटी को हमारी। ये क्या है? झोला है। झोला, झोला ही बोलते हैं। हाँ। अच्छा, ये भी पैसा, पैसा वाला है ना? हाँ, ये भी पैसा वाला है, सब चांदी का है। चांदी का। तो ये भी, ये तो आपका पर्सनल है ना? हाँ, ये इनका पर्सनल है। पर्सनल है ना? बोले खांसते हैं। ये देखो आंटी को माला पहन के। ये क्या बोलते हैं इसको? सेंदोमता। दिखाना आंटी, क्रून बोलते हैं। हाँ, ये चीज है, क्रून। हाँ। क्रून बोलता है। हाँ, हाँ, तो ये वेडिंग में, पार्टी वर्टीज में पहनते हैं ऐसे। हाँ, और वेडिंग उनसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट देता है। हेलो, आप लोग भी हाय बोल दो एक बार। वन खांसते हाय बोल दो। तो ये आंटी अभी दिखा रही है लेडीज लोग का जो ट्रेडिशन पहनने वाला। सब अलग अलग डिजाइन। तो हम, मैं तो ले जा सकता हूँ ना मम्मी के लिए? हाँ, ले जा सकते मम्मी। ये सब लड़की लोग पहनते हैं, औरत लोग कुछ बनाते हैं। कुछ बनाते हैं ना? मेकअप बनाया है। ये शॉल है या फिर? नहीं, शॉल नहीं, ये पहनने वाला। पहनने वाला शॉल भी है वो। ये ऐसे, ये चीज है ना? हाँ, ये पहनने वाला खुद से, हाथ से बनाया ना? जो बच्चा पहना हुआ है ना वही मेखला। दिखा दो। तो ये है लेडीज का लाइक शॉल, मेखला पहनने वाला नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे जो पहनने वाला है बच्ची पहनी है। अच्छा, इधर आना बाबू, वो बिहारी का नीचे सी है। अरे लास्ट वन, ये है शॉल। ये शॉल रहा। हाँ। अच्छा, ये शॉल है। तो एक ही कलर में सारे अवेलेबल रहता है शॉल? हाँ, लगभग येलो, ब्लैक, पिंक ऐसे ही रहता है, कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ था। तो ये हाथ से पूरा बनाया ना, हैंडमेड है, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा है। ये मफलर सब लेडीज वेयर है, पहन के दिखाना। वो पहन, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। ये लड़का लोग भी लगा सकते हैं मफलर। अच्छा, इसका प्राइस क्या है मफलर का? 1,800। तो चलो अभी चल रहे हैं घर, बहुत अच्छा लगा। एंड आंटी थैंक यू सो मच। चलो फिर आएगा, बाय बाय। तो दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी एक स्पेशल व्लॉग है आप लोग के लिए कि अभी मैं रिसॉर्ट में हूँ। एक प्यारा सा रिसॉर्ट है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। एंड ये रहा कुछ रात का सीन, आपको तो दिखेगा नहीं। तो भैया हैं, आप मिल चुके हैं इनसे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम बालिंग नादुंग है। बालिंग, तो बालिंग भैया है यहाँ के मालिक, ओनर, जो भी बोल सकते हो। अभी डिनर का टाइम है एंड हमारे लिए स्पेशल डिनर अरेंज हुआ है, इंतजाम हुआ है। तो ये क्या है, ये देखो पहले डिनर आप लोग देख लो। सर ये इसको लोकली हम लोग इसको चंबाई बोलते हैं सर। चंबाई? जी हाँ। तो चंबाई मतलब कोई डिश का नाम? ये पूरा डिश का नाम है? ये पूरा डिश का नाम चंबाई है। लोकल चिकन रहता है इसमें, ये चिकन लोकल लोकल है। हाँ, ये जो है लोकल चावल जो से बनाता है, इसमें जो ब्लैक कलर का जो डिग रहा है वो तील है इसमें। ये ब्लैक? जी जी। ओके, इसके साथ में थोड़ा सा नमक रहेगा, अदरक रहेगा, और ये तीनों मिक्स करके इसको हम बनाते हैं सर। तीनों मिक्स बॉयल है, इसमें कोई ऑयल का ये यूज नहीं होता है, इसमें सिर्फ
खाली इसको सिंपल बॉईल करके। अच्छा, सिंपल बॉईल करके ऐसे बनाता है। तो दोस्तों देख लिया आपने, इस डिश का नाम है चंबाई। तो ये रहा चिकन चावल लोकल, एंड ये सैलेड है, एंड ये भी सैलेड। ये क्या है? सूप है इनके साथ। सूप है। स्पेशल चीज है यहाँ पे, वो क्या है वो देखो, ये है स्कार्फ। खाने से पहले ये चीज मेरे को प्रेजेंट करेंगे भैया, एंड ये भैया इनसे मिलो, इनके बिना ये चीज बहुत ज्यादा अधूरा था। पर थैंक यू सो मच यहाँ पे लाने के लिए, ये सब चीज मतलब स्पीचलेस हूँ मैं इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच आप लोग का, थैंक यू सो मच। एंड इधर है हमारे प्यारे से भाई लोग एंड दीदी लोग, इधर हेलो। तो अभी ये पहनाएंगे मेरे को। थैंक यू सो मच, कैसा लग रहा हूँ मैं? तालिया तालिया। इस स्कार्फ के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। इस स्कार्फ के बारे में भैया जी मुझे पता थोड़ा बताना चाहेंगे आप लोग को, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है। जस्ट लाइक स्कार्फ है लेकिन बहुत बड़ा चीज है, एंड ये हैंडमेड है, इनकी मम्मा ने हमारे लिए गिफ्ट भिजवाया। सो थैंक यू सो मच आंटी जी। आप लोगों को वीडियो भाई देखते थे तो उनका मम्मा इस तरह से काम करती है, तो चलो पहनाओ इनको, ये आप लोगों के लिए खास करके बनाया गया है। आप स्पेशल हो इसलिए क्योंकि पहले ही से आकर जो बिहार से अरुणाचल तक आए और अरुणाचल चाइना बॉर्डर तक पहुंचे, मतलब अभी नियरली 150 किलोमीटर रह गया चाइना बॉर्डर, 150 किलोमीटर है। ये चीज मेरे को करना है कवर अपने बिहार के लिए, प्राउड मूवमेंट है ये चीज। तो ये जो स्कार्फ है मतलब एक बहु जिसको आप दिल में दिल के करीब से उसी को दिया जाता है, जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना जी, 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 तो उनको हम एक और ये के तौर पे यही हम प्रेजेंट करते हैं, ये ऑफर करते हैं। और ये वीवीआईपी और वीआईपी लोगों के लिए ही होता है। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरुणाचल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड नक्श। सो आज है डेट 11th of January, एंड द थिंग इज अभी मैं मूव कर रहा हूँ अपनी मंजिल की ओर, जो कि है डोंग। डोंग के बाद किबीटो, किबीटो के बाद लास्ट विलेज का हो, तो सब चीज़ एक्सप्लोर करना है धीरे धीरे करके। एंड यहाँ से ये जो प्लेस है हायुलियांग, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस है 110 to 120 किलोमीटर्स होगा लगभग। तो अभी चल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 7, एंड अभी हम ट्राई करेंगे हिचहाइक विद दिस बोर्ड। तो बहुत मज़ा आने वाला है, स्टे कनेक्टेड। नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरा 2 दिन से गुल है, बिकॉज मैं 2 दिन से यहाँ आ रखा था। एंड एज यू कैन सी द वेदर, वेदर देखो भाई, हाय हाय। सुबह में मैं 6 बजे उठा, बहुत ज़्यादा ठंड था। भैया ने बोला था ये चीज़ को पहन के आप लोग हिचहाइक ट्राई करोगे, तो थैंक यू सो मच इस चीज़ का आपने मुझे प्रेजेंट किया। तो ये पहन के मैं अभी पूरा इधर घूमने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा। तो चलो सफ़र का आनंद लेते हैं एंड इंजॉय करते हैं, एंड देखते हैं लिफ्ट कब मिलता है कब नहीं। टिल देन स्टे कनेक्टेड। तो जी हम पहाड़ों के बीच में ऐसे घूम रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे काम चल रहा है ऊपर। वालोन तक रास्ता कहीं अच्छा है कहीं ख़राब है, कि हमें रोक दिया गया है यहाँ। ये रही हमारी गाड़ी पीछे, एंड यहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, बिकॉज लैंडस्लाइड होने के चांसेस रहते हैं ऐसे में। चलो ओ भाई 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 भाई, ऐसे में लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, तो इसलिए रिस्क ना लेके हम लोग भी रुक गए हैं। एंड यहाँ से इंजॉय कर सकते हो हसीन वादियाँ। ओए ओए नीचे नीचे नीचे। जहाँ से मैं चला था हायुलियांग से, तो वहाँ से ये फर्स्ट लिफ्ट मिला है, एंड डायरेक्ट टू वालोंग, लाइक 110 किलोमीटर्स की लिफ्ट मिली है। तो लाइक ठीक है, फिर वहाँ से अभी जाना है डोंग। तो डोंग में हम लोग जा रहे हैं, सनसेट भी देखेंगे एंड कल का सनराइज़ भी देखेंगे इफ़ हो पाएगा तो, बिकॉज आज टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज अगर स्टे कर जाते वालोंग में तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए हम लोग ने सोचा कि डोंग चलेंगे एंड उसके बाद वहाँ से सनराइज़ कल का देखेंगे। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज गोप्रो में थोड़ा जब हवा चलता है ना तो ये ज़्यादा साउंड कैप्चर करता है हवा का, तो सॉरी फॉर डैट,
मैनेज कर लेना यार किसी भी तरह। तो चलो अभी चलते हैं एंड सफर का आनंद लेते हैं। तो मित्रों पहुंच चुके हैं वालोन। तो नोमैड नक्श वेलकम यू टू वालोंग अरुणाचल प्रदेश। तो ये है हमारे पीछे आईबी इंस्पेक्शन बंगलो यहाँ का। तो मैम मुझे लेके आई है यहाँ पे इंस्पेक्शन बंगलो में, यहाँ खाना वाना खाएंगे एंड यहाँ की एक हॉन्टेड सी स्टोरी है। वो बोल रही थी कि हॉन्टेड सी थोड़ी स्टोरी है तो वो भी बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। तो मैं कैप्चर करूँगा एंड ये देख सकते हो यहाँ पे ये रहा पूरा स्टे, होम स्टे है ना ये। एक ये भाई है, भाई आपका नाम क्या हुआ? आप कहाँ से हो? ईटानगर से। ईटानगर से। तो यहाँ पे जैसे ये आपका है? नहीं मेरा नहीं। घूमने आए आप? हम भी घूमने। तो ये भी हमारे तरह घूमने आए हैं। अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा लगा। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, कॉज कार हमारा वहाँ है वो नीचे एंड सबको बुलाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से मूव करेंगे डोंग के ओर। एंड अभी बज रहे हैं एक, सो देखते हैं आगे का सीन क्या होता है एंड डोंग तो पहुँचना ही पहुँचना है। तो चलो आप लोग से मिलते हैं, टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों तो हॉन्टेड प्लेस के बारे में आप लोग को बताया था कि ये आईबी है, हॉन्टेड प्लेस है, तो क्यों बोलते हैं? तो मैम से पूछते हैं। तो मैम से हाय टू माय चैनल, आपका नाम क्या है पहले? आई एम लीला लुचाई फ्रॉम तेजू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। आप मुझे ये बताओ कि ये आईबी है तो हॉन्टेड लाइक क्यों बोलते हैं इस चीज को, प्लेस को? हां बिकॉज़ एक्चुअली कोई भी टाउन में ना, स्पेशली इफ यू गो टू हिली एरियाज, तो जनरली एक इंस्पेक्शन बंगलो रहता है ना जब ऑफिशियल्स विजिट करने आते हैं। तो इंस्पेक्शन बंगलोज जनरली पुराने रहते हैं, मतलब काफी पहले से बनाए हुए हैं ऐसे ना, एज कम्पेयर टू अदर हाउसेज एंड ऑल, क्योंकि लोग तो बाद बाद में घर बनाते रहते हैं। बट इंस्पेक्शन बंगलो वगैरह जैसे ही एक टाउनशिप इनिशियली बनता है तो दे स्टार्ट दे मेक अ इंस्पेक्शन बंगलो, जो भी ऑफिशियल्स विजिट पे आते रहते हैं ऐसे, तो उनका पुराना हिस्ट्री रहता है। तो ये यहाँ का जो वलोंग का इंस्पेक्शन बंगलो है, वलोंग अदरवाइज ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री, बिकॉज जब 1962 में चाइना वॉर हुआ था, सो वॉर यहाँ तक भी हुआ था, यहाँ से जाके आगे जाके आप लोग ने चंगुंती का भी दिखाया था, चंगुंती को भी क्रॉस हुआ था, हवाई तक भी पहुंचा था चाइना वाले लोग, मतलब चाइना आर्मी, चाइनीज आर्मी। इन द 1962 वॉर इंडिया वॉज डिफीटेड बैडली बाय द चाइनीज, राइट? मतलब हम लोग तो हारे थे ना 1962 वॉर। यस। तो उसमें लॉट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स हैड लॉस्ट देयर लाइफ। ओके। तो यहाँ पे जो लोग बोलते हैं एंड काफी लोग बोलते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि एक लीगेसी है, बट लोग बोलते हैं मेनी टाइम्स उनको ना ये सोल्जर्स का मार्चिंग करने का रात को, मतलब मार्चिंग करने का सुनाई देता है एंड विसल ब्लो हो रहा है कि जैसे विसल ब्लो है ना एंड देन लोग ने मार्च करना है। उस मेरा भी गूज़बम्प्स खड़ा हो गया ये चीज सुन के, सच्ची। एक्चुअली मैं बोलते हैं, मेरी एक सिस्टर है वो शी इज अ डॉक्टर, नाउ शी इज रिटायर्ड बट शी इज अ डॉक्टर, एंड जनरली डॉक्टर्स का ये होता है ना कि वो खुद साइंस स्ट्रीम में है तो ये लोग ऐसे चीजों में नहीं बिलीव करते हैं, बट शी ऑल्सो एक्सपीरियंस चितौर में कि वो जब वलोंग में आई थी तो यहाँ आईबी में रुकी थी और रात को उसको मतलब ऐसे ना लोगों के मार्चिंग का सुनाई दिया था रात को, तो शी थॉट कि यहाँ पे आर्मी तो है, मतलब तो उसको लगा कि रात को ना ये लोग कहीं जा रहे हैं मार्चिंग कर रहे हैं एंड देन बट सडनली दैट मार्चिंग स्टॉप एंड ऑल, ऐसे रात को मतलब दो तीन बार ऐसे उसका एक्सपीरियंस हुआ एंड अगले मॉर्निंग व्हेन शी वाज आस्किंग पीपल ना कि रात को क्या यहाँ पे आर्मी का मूवमेंट हुआ था, क्या हुआ था, मुझे ऐसे मार्चिंग सुनाई दिया था, देन पीपल टोल्ड हर नहीं ये नहीं है, दिस इज द स्टोरी। तो दिस इज ये जो मैंने सुना है। और यहाँ पे और एक है हमारे साथ, मेरा नेफ्यू अजीत शो, हिज पेट नेम इज जोलो। जोलो जोलो भैया, तो आपको भी कुछ स्टोरी शेयर करना है यहाँ के बारे में? हमको ये भूत भूत का स्टोरी शेयर नहीं करना है, हमको ही फिर रात में आना पड़ता है यहाँ पे। सही बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एग भुर्जी बन रहा है, मैं अपने हाथ से बहुत कम टाइम कुक करती है, लाइक मैंने पूरे लाइफ में ओनली 40 या 50 टाइम्स कभी खाना बनाया होगा। अरे भाई, आई एम मैरिड, तो मैं रहती हूं क्लास सन हु इज इन क्लास 10, फिर भी आप सोचो कि मैंने लाइफ में 40-50 बार ही कुक किया होगा। अरे, तो दीज आर लकी पीपल जिनको मेरे हाथ का बना हुआ भुर्जी खाने को मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, वेलकम। तो ये था हॉन्टेड लाइक आईबी का कुछ स्टोरी, हॉन्टेड स्टोरी, तो मेरे को भी गूज़बम्प्स थोड़ा आ गया। तो चलो अभी खाना लग चुका है एंड खाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं डोंग के लिए। एंड ये देख सकते हो हमारे सर लोग खाना खा रहे हैं, कैसा टेस्ट है खाना का? बढ़िया है। पक्का? आपका कैसा टेस्ट लगा? बढ़िया है ना? अच्छा है। तो चलो मैं भी अभी खाना खाता हूँ, कॉज बहुत जोर से भूख लगा है, चूहा दौड़ रहे पेट में। अभी खाना खाते हैं उसके बाद आप लोग से। तो जी ये लग चुका है हमारा खाना, चावल सब्जी एक भुर्जी एंड प्याज, तो अभी खाते हैं एंड उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन लंच, थैंक यू सो मच। वेलकम एंड वेलकम टू ऑल अदर यूट्यूब ब्लॉगर्स और जो भी बोलते हैं आजकल, सारे लोगों को मोस्ट वेलकम टू अरुणाचल। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थी मैडम एंड भैया लोग, तो ये चले गए सीधा, एंड ये जो सीधा रास्ता देख रहे हो ये सीधा डोंग जाता है, तो अभी यहीं जाना है हमें। सो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, एंड उसके बाद अभी से जो व्लॉग स्टार्ट होगा वो डोंग वैली का स्टार्ट होगा, तो अभी से डोंग वैली का अच्छा अच्छा वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो आज का व्लॉग बस इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में आपको डोंग वैली का व्यू एंड डोंग वैली का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है? तो चलो मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।